Good morning, dear friends, and greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. और सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की सुबह आप सबका अभिवादन करता हूँ. This is another new day added to our life. और एक ये नया दिन है जो हमारे जीवनों में जोड़ा गया है. Let us seek the Lord before we set out to face today's activities and challenges. And be prepared. और होने दे आइए हम परमेश्वर के मुख को निखारें इससे पहले कि हम आज के दिन के कार्यों में व्यस्त हो जाएं. Let the name of the Lord be glorified in whatever we do and whatever we speak. और होने दे परमेश्वर का नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए जो कुछ भी हम करें उसके द्वारा और जो कुछ भी हम बोलें उसके द्वारा. I would like to meditate this morning on the subject of the importance of children. और आज की सुबह मैं आपके बीच एक मनन को रखना चाहता हूं जिसका शीर्षक है कि बच्चों का क्या महत्व है. Based on the gospel according to St. Matthew chapter 19 verses 13 and 14 and 15. और इस मनन के लिए जो वचन हमने लिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 13वें वचन से लेके 15वें वचन तक. And we read in these verses. और इन वचनों में हम पढ़ते हैं. Then little children were brought to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. और तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे. But the disciples rebuked those who brought them. पर चेलों ने उन्हें डांटा. And Jesus said, और यीशु ने कहा, Let the children, little children, come to me. कि इन छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो. And do not hinder them. उन्हें मना मत करो. For the kingdom of heaven belongs to such as these. क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है. When he had placed his hands on them, he went on from there. और वो वहाँ उन पर अपने हाथ रख कर वहाँ से चला गया. In these verses, we have the mind of Christ. Declared on the subject of the importance of children. और इन वचनों में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का मन में बच्चों का क्या महत्व है. Especially on the matter of their precious souls. और खास रीति से उनकी बहुमूल्य आत्माओं को लेकर. The children brought to him were evidently tender infants. और खास रीति से ये बच्चे जो यीशु के पास लाए गए थे वो तो बहुत कोमल नवजात बच्चे थे. Yes, they were too young to receive instructions. और वो तो इतने नवजात या इतने कम उम्र के थे कि वो निर्देशों का पालन कर सके. But not too young to receive the benefit of prayer. लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि प्रार्थना की आशीष वो ना लेने पाए. And the disciples seemed to have a thought of them beneath their master's notice. और चेलों ने उन बच्चों को अपने स्वामी से पहले देखकर उनका चयन किया. And therefore they rebuked the mothers who brought them. और वो उन माओं को उन चेलों ने डांटा जो इन बच्चों को यीशु के पास लेकर आ रही थी. This brought forth a solemn declaration from the great head of the church. लेकिन इस बात ने कलीसिया के मुखिया के द्वारा एक बड़ी घोषणा को किया गया. Jesus said, यीशु ने कहा, Suffer the little children come to me. कि इन बालकों को मेरे पास आने दो. And do not hinder them to come unto me. और इन्हें मना मत करो कि ये मेरे पास आए. For of such is the kingdom of God. क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है. We know the weakness and the feebleness both in mind and body of little children. और हम जानते हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चे मन और शारीरिक रूप से कमजोर और निर्बल हैं. Of all the creatures born into this world, और वो सारे प्राणी जो इस संसार में जन्म लेते हैं, none is so helpless, और कोई भी इतना असहाय नहीं होता, and dependent on others, या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता. But here, who is it who took such notice? लेकिन यहाँ पर ऐसी बात के ऊपर कौन ध्यान लगाता है? With a tender kindness and love. Of infants. और इन नवजातों का जो नम्र और विनम्र प्रेम है. And found time in his busy ministry among the grown-up men. और अपनी व्यस्त सेवकाई के बीच उन वयस्कों के बीच उसने समय को निकाला. And put his hand on them
and pray. और अपने हाथ को बढ़ाकर उन बच्चों के ऊपर रखा और प्रार्थना करी. It was the eternal Son of God. ये तो अनंत काल का परमेश्वर और परमेश्वर पिता का पुत्र. The great High Priest. और वो महायाजक. The King of Kings, by whom all things consist. और वो राजाओं का राजा जिसके द्वारा हर एक बात स्थापित है. He is the brightness of the Father's glory. और वो तो पिता की महिमा का ज्योतिमय कण है. And exact image of his person. और उसके व्यक्तित्व का एक एकदम दिखने वाला वो प्रकाशन. Now, what do we learn from this act of Jesus? और हम प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य से क्या सीखते हैं? It is certain Jesus specially loves children. और ये तो निश्चित है कि यीशु बच्चों से खास रीति से प्रेम रखता है. Young as they are, और जितने जवान वो हैं, they are not beneath his thoughts and attention. तो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो उसके ध्यान और सोच के नीचे नहीं है. That mighty heart of Jesus has room for the babe in the cradle. और याद रखिए, इस महान और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान ईश्वर के हृदय में बच्चों के लिए भी एक जगह है जो पालने में रखे गए हैं. The great throne of the king has room for that helpless infant. और याद रखिए, महान राजा के सिंहासन के पास भी एक स्थान और जगह है एक ऐसे असहाय बच्चों के लिए. And he says, और वो कहता है, such is the kingdom of God. सर्व स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है. And these verses encourage us to attempt great things in the religious instructions of children. और ये वचन हमें इस बात को सिखाते हैं कि कैसे हम धार्मिक शिक्षाओं में उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं. Let us begin from their earliest years. और होने दे हम उनके जवानी के दिनों से और जीवन के बहुत कम दिनों से ही उनके सिखाना शुरू कर दे. And deal with them as having souls. और उनके संग ऐसा रवैया और व्यवहार रखे जैसे उनके पास आत्मा है. Souls to be saved, just like an adult. और आत्माएं जो बचाए जानी है एक वयस्क व्यक्ति के समान. Let us strive to bring them to Christ. और होने दे हम ये कोशिश करें कि हम उन्हें यीशु के पास लेकर के आए. Let us make them acquainted with the Bible. और होने दे हम उन्हें वचन से जोड़े. As soon as they can understand anything. इससे पहले कि वो और कोई बात को समझे. No. As soon as they are able to understand something. और इससे जब तक उनके अंदर वो समझने की मन उन्हें प्राप्त होता है, जब वो समझने की अवस्था में आ जाते हैं. Let us help them to understand by reading the Bible to them. होने दे हम वचन को पढ़कर उन्हें समझने समझाने की कोशिश करें. And let us pray with them. उनके संग प्रार्थना करें. And pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें. Teach them to pray for themselves. और उनको सिखाएं कि वो खुद के लिए प्रार्थना करें. Let us sing with them. उनके संग गाएं. And teach them songs, the songs of praises unto Jesus Christ. और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के स्तुति गान और प्रशंसा के गीत सिखाएं. I am sure Jesus looks with pleasure on such endeavors. और मुझे तो पूरी आशा है कि यीशु ऐसे कार्यों के ऊपर प्रसन्नता के साथ देखता है. And ready to bless them. और उन्हें तैयार रहे आशीष देने के लिए. And such labors are never in vain. और ऐसे परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे. Happy is that church. और खुश है वो कलीसिया. Who cares for the infant. जो नवजातों के लिए चिंता करती है. And small members of the church. और जो कलीसिया के सबसे छोटे सदस्य हैं उनकी चिंता करती है. As much as we care and consider the older members. और जितना कि हम वयस्क विश्वासियों और कलीसिया के सदस्यों का ध्यान और चिंता रखते हैं. The blessing of him that was crucified. और उसकी आशीष जो क्रूस पर चढ़ाया गया था. Will surely be on such a church. और ऐसी एक कलीसिया पर उसकी आशीष जरूर होगी. And a church. If you are concerned about the future of your church. और कलीसिया, अगर आप अपने कलीसिया के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं. Take care of the small children in the church. तो जो कलीसिया में मौजूद छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखें. Because they are the future of the church. क्योंकि वो कलीसिया का भविष्य हैं. And so always remember. और इसलिए हमेशा याद रखें. One thing is certain. एक बात तो निश्चित है. That God
loves children. कि परमेश्वर बच्चों से प्रेम रखता है. Only he knows the values of this precious children. और वही इन महत्वपूर्ण बच्चों की बहुमूल्य कीमत को जानता है. The grown-ups apparently do not know how valuable these children are. और जो वयस्क और बड़े हैं, कई बार वो इस बात को नहीं समझते और जानते कि कितने बहुमूल्य बच्चे हैं. But God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the triune God cares for children as much as the Lord cares for the oldest. लेकिन पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर बच्चों का चिंता और ख्याल रखने वाला परमेश्वर है. So as followers of Christ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होते हुए, let us have the mind of Christ. होने दे प्रभु यीशु मसीह के मन को हम लेकर के चले बच्चों के प्रति. आमेन, आमेन. This is God's word for you today. और ये परमेश्वर का वचन और वाणी है आपके लिए आज के दिन. Lord, in order to follow your examples. और पिता ये होने पाए कि हम तेरे उदाहरण को अपने जीवनों पर चलने पाए. We need the Holy Spirit. उसके लिए हमें तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता. Blessed Holy Spirit, come. और इसलिए हे आशीषित पवित्र आत्मा, तू आ fill us, और हमें भर दे, and that we may possess the mind of Christ regarding children. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के मन को अपने भीतर समाने पाएं. In Jesus' name, for His glory. यीशु के नाम में उसकी महिमा के लिए. Amen. Amen. This is a great day. ये एक महान दिन है. Enjoy this day. इस दिन का आनंद आप लें. And at the end of the day. और इस दिन के अंत में. Let there be no regret. और कोई भी पछतावा आपके मन में ना रहे. Amen. Amen.